नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2022 के शुरुआती दो दिन की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। यानी कि दोस्तों, 1 और 2 जनवरी का समय आप सभी के लिए कैसे व्यतीत होंगे, या समय ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दोनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 1 जनवरी की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन गणना नाम का शुभ योग और वृद्धि नामक शुभ योग रहने वाले हैं। राहुकाल का समय इस दिन सुबह के 9:51 से लेकर सुबह के 11:10 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। वे दोस्तों दूसरे दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और दोस्तों मूल नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वे दोस्तों योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन ध्रुव नाम का शुभ योग रहने वाले हैं, उसके उपरांत व्याघात नाम का भी शुभ योग रहेगा। वे दोस्तों राहुकाल का समय इस दिन शाम के 4:29 से लेकर शाम के 5:49 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा इस दिन धनु राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय उमंग, सच्ची आध्यात्मिकता, बौद्धिक और नैतिक विकास का समय होगा। पिछले महीने आपके जीवन में जो है कई उतार चढ़ाव आए थे और दोस्तों यह समय आपको अपने अस्थायी मूल्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों याद रखें, आशीर्वाद चेतना और विवेक का परिणाम है जो आध्यात्मिकता और विश्वास से मिलता है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों सहजता और जोखिम लेने की इच्छा आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, यह बहुत ही चंचल अवधि है जब आप रचनात्मक और भावनात्मक रूप से प्रेरित होंगे। ये जो समय होंगे, अब आप जीवन में जोखिम लेने के इच्छुक होंगे। इन दिनों में जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये या किसी खतरे या फिर दुर्घटना का कारण बन सकता है। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपके लिए अपनी योग्यता पर भरोसा रखने का समय होगा। आपके सामने कुछ चुनौतियां इन दिनों में आ सकती है जो थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी, लेकिन आप कामों को परिणामों को लेकर जो है निश्चित रह सकते हैं। आपके लिए ये जो दिन होंगे, अपनी जो है पूरी ऊर्जा को सकारात्मक बातों में लगाने और उसका पूरा उपयोग करने में लगाएंगे। आपको ज़्यादा देर जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम करने से इसमें बचना होगा। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपके करियर के मामले में, काम के मामले में दिन तो आपके लिए बेहतर हो रहेगा। बिना तनाव जो है काम को आप पूरे कर सकते हैं, इसका जो है संकेत मिल रहा है। आपकी क्षमताएँ और गुण परे आकर्षण में है और आप लंबे समय से अटके कार्यों को जो है इन दिनों में पूरा करने में सफल होंगे। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके या फिर आपके पार्टनर को इस समय प्रभावित करेंगे। आपके और आपके साथी को भी जो है अभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके प्यार को जो है आजमाया जा रहा है। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आप जो है अपने साथी के साथ किसी मांगलिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में इस हिस्सा का आपको जो है मौका मिलेगा, तो आप इनमें ज़रूर सहभागिता करें। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपके लिए ये जो दिन है आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आप खुद में ऊर्जा का प्रवाह जो इन दिनों में महसूस करेंगे। दोस्तों यश में आपका आरोग्य अच्छा रहेगा और आप जो है अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 5 और भाग्यशाली रंग रहेगा हरा। वही दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि आपकी कठोर वाणी किसी की भावनाओं को आहत करेंगी। इसका कारण उस व्यक्ति के प्रति आपकी ईर्ष्या जो है हो सकती है, जबकि बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा
और दोस्तों इन दिनों के शाम का समय में शायद जो है उसके लिए क्षमा भी आप मांगेंगे। दोस्तों इन दिनों में सायंकाल के बाद निराशा के बादल जो है समाप्त होते हुए प्रतीत होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यशस्वी ऑफिस में आपका उत्साह जो आपके रूटीन के काम को आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। हालांकि आप लंच के बाद जो है ऊब महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों शाम को आप जो है और अधिक चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि दोस्तों आपको जटिल चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि गणेश जी कहते हैं कि ये जो समय होंगे आपके लिए ऐसे काम करने से आपके लिए बेहतर होगा जिन्हें आप पूरा जो है आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यह समय अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप रोमांटिक कनेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो इसके विकसित होने की इन दिनों में पूरी उम्मीद है। इस तरह दोस्तों गणेश जी आपको ये जो दिन है आपके पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मक होने की भविष्यवाणी करते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप उचित संसाधन खोजने में सक्षम होंगे जो आपको पैसा दिला सकते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट में आपकी जो है सहायता कर सकते हैं। इन दिनों में आप सही समय पर सही लोगों से मिलने वाले हैं और आप सही अवसर का जो है लाभ उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपका उत्साह इन दिनों में बना रहेगा, लेकिन आपको अपने जोश को जो है कुछ क्रिएटिव कामों में बदलने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा क्रोध आपके मूड और दिन दोनों को ख़राब कर सकता है। घर पर दोस्तों जिम या फिर शारीरिक व्यायाम शुरू करने के लिए ये जो इन दिनों में दिन होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। दोस्तों यश में आप जो है धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास जो है आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दिन शुरुआत में भले ही अच्छे हो, लेकिन शाम के बाद जो समय होगा आपके लिए किसी की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जीवन साथी का सेहत और तनाव जो है चिंता का कारण बना सकती है। दोस्तों प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों यश में आप महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय जो है अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने शब्दों को जो है गौर से सुने। जीवनसाथी के साथ इन दिनों में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको जो है किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। दोस्तों यश में हरे रंग की बोतल में गंगा जल भरकर किसी पीपल के पेड़ के पास जो है दबाने से फैमिली लाइफ जो है अच्छी रहेगी। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों यश में आपको बता दें कि सोने का एक टुकड़ा पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर के पेशे रखने वाले स्थान पर रख दें। दोस्तों ऐसा करने से आप जो है आपके ऊपर सदैव यश में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों इन उपायों को हो सके तो जरूर करें। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण उपाय आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।